Welcome to Sam Gaming Custom H4K, and today we have 24 teams, 77 players. सेनोक का हमारा मैप है आज का, और प्लेन पाथ हमारा जाएगा कैंप अल्फा से होता हुआ कैंपोंग की. और टीम्स ने काफ़ी टीम्स ने अपनी रोल प्लेइंग शुरू कर दिए हैं, जैसे कि टीम सोस एंड टीम माफिया का डुओ जो है वो हैटिन की ओर कैरी करता नजर आ रहा है टीम सोस के साथ. एंड टीम टी डब्ल्यू यहाँ पे उतरेगी कैंपोंग नहीं रुइंस के काफ़ी करीब. बाकी टीम भी एंड टीम मेजर्स अपना मेन ड्रॉप लेती हुई, उन्हीं के साथ टीम स्टॉर्म भी उतरी है. टीम मेजर ने पाइन एंड ड्रॉप लिया है अपना मेन ड्रॉप, उन्हीं को वहाँ पे एक कंपटीशन देने के लिए एफ बी के प्लेयर नबील एंड हेलबॉय भी आए हैं. और टीम स्टॉर्म का डुओ भी यहाँ पे यू वी आई थिंक ऑफलाइन है. मुगली किस टाइप से डील करेंगे ये सिचुएशन. टीम ट्रिनिटी एंड क्लो एक्सपर्ट के प्लेयर चारों प्लेयर्स वहाँ पर आए हुए हैं. टीम एफ बी पहली फाइटिंग एज करती हुई, हेलबॉय ने उधर नॉक करने की कोशिश की थी. टीम स्टॉर्म के यू भी जो ऑफलाइन खड़े थे मिथिक एमआईडी उसको नॉक करेगा. मेजर एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से एक नॉक निकालेगा विदाउट फिनिश हो भी लेगा उसके ऊपर. एकदम नॉकआउट हुआ है इस बार, लेकिन आजम के ऊपर हुआ है क्लोज इन गेन. यहाँ पे बहुत ही मुश्किल में फंस चुके हैं. हम्माद भी डाउन हुए. टीम नंबर 22 चार दिन करती नजर आ रही है. टीम एक अच्छी तरीके से टेम्पेस्ट चारों ही प्लेयर्स के साथ सवाले आएंगे फुल यहाँ से 10 HP जोड़ा था, लेकिन सवाले भी डाउन होंगे. यहाँ से टीम मेजर जाती हुई थोड़ा अपने ही ड्रॉप पे थोड़ा मुश्किल में फंसती हुई, सवाले को फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा. जैद रिवाइवल देने का ट्राई कर रहे हैं जैद को, लेकिन इनके ऊपर क्लोज इन आई थिंक कर देगी टीम नंबर 22 का डुओ. या बिल्कुल हमारा ज़रूर रिवाइवल हो चुके हैं, लेकिन टीम 22 के चारों ही प्लेयर्स रिवाइवल हो चुके हैं. आजम का यहाँ पर बचना थोड़ा आसान नहीं होने वाला ऑफलाइन पीछे की ओर. अभी पीछे की ओर बैठे हुए टी डब्ल्यू निंजा ओपी भी डाउन हुए. टी डब्ल्यू की टीम ने एक अच्छी फाइट वैली निकाली है. टी डब्ल्यू ऑफिशियल जो की गई है हमारी बूट कैम्प के अंदर. बूट कैम्प में हमारी टीम सी टी आर भी ड्रॉप लेती नजर आती है. टी डब्ल्यू सो ओपी को उन्होंने नॉक कर दिया है. निंजा ओपी ऑलरेडी नॉक है. टी डब्ल्यू ऑफिशियल मुश्किल में फंसती है. जोकर ओपी ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइवल दे दिया निंजा ओपी को, एंड सो ओपी को भी रिवाइवल देंगे. टीम सी टी आर क्लोज इन करती नजर आएगी कि नहीं. टीम स्टॉर्म अपनी पहली वाइट लेती है. टीम मेजर को पूरा फिनिश ऑफ करती हुई टीम स्टॉर्म के प्लेयर्स ने उधर से बहुत ही अच्छी तरीके से ये फाइट निकाली है अपनी टीम मेजर के ऊपर. हमारा अब एक ही प्लेयर इनका बचा हुआ है. टीम एफबी के प्लेयर्स अभी पीछे फॉल बैक कर रहे हैं, वो भी फाइट लेने की कोशिश करेंगे वहाँ से. टीम एक जो सोलो बचा हुआ है मुगली प्लेयर उसको फिनिश ऑफ करेंगे बहुत अच्छे से. टीम नंबर 19 के ब्लेडेंट ब्लेड जैक एक्सपर्ट में थे गेम के प्लेयर. ये दो टीम्स में बैठ के खेलते हुए टीम स्टॉर्म के प्लेयर अब थोड़ा आगे की ओर आते हुए क्लोज इन में फाइनल में काफ़ी फाइट्स देखने को मिल रही हैं हमें. अभी भी यहाँ पे तीन टीम्स मौजूद हैं, चार टीम सॉरी. अभी मेजर के जो हमाद हैं वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं, सॉरी जी हाँ वो टीम स्टॉर्म ने फिनिश ऑफ किया. नबील डाउन हो चुके हैं टीम नंबर 11 के. अब भी के हेलबॉय अकेले बचेंगे. रिवाइवल देने का ट्राई जरूर है लेकिन हो नहीं पाएंगे. ट्रिटी जैक आएंगे सामने से, उनको डाउन करेंगे. हेलबॉय पीछे से कवर फायर मिलेगा, बहुत ही अच्छा कवर फायर मिलेंगे वाइट टी का. यहाँ पर उनके तीन किल्स होते हुए इस फाइट में, देन चार किल्स निकालते हुए टीम ट्रिनिटी टीम टी एम जी चैंपियन यानी कि टीम स्टॉर्म के प्लेयर्स चारों प्लेयर्स अब बचेंगे. यहाँ पर 4 किल्स उनके पास भी हैं. एक पूरा यहाँ पर रिवर का कवर होगा दोनों ही टीम्स के पास कवर पार करने के लिए. देन उस तरीके स्टॉर्म रोबो आगे आते नज़र आ रहे हैं हमें, क्लोज इन करते नज़र आएंगे. बाकी हर जगह हमारी टीम्स ही टीम्स बैठी हुई है. टीम रेज ऑफिशियल एंड टीम रेज एक ही साथ आई थिंक, जी नहीं रेज ऑफिशियल नहीं, सेकंड टीम ऑफ टीम रेज यहाँ पर लूट करती नज़र आ रही है. इधर MK14 एंड गिरोज अब Level 3 हेलमेट वेस्ट मंगाया उन्होंने. खाओ का एरिया मंगाई लूट करके आएगी टीम सैफरन 3 मैन स्क्वाड के साथ. सैफरन साहिल एंड किलो बाबा कैंप ब्रावो के अंदर टीम CHB ने एक जो फाइट ली थी वहाँ पर नमन जरूर उन्होंने अपना खोया है एंड वो किल मिला आई थिंक टीम ओपी के, जी नहीं टीम शेडो के प्लेयर एंड ओपी के प्लेयर उसको भी नहीं मिला. स्टॉर्म के पीछे यहाँ पे एक और फाइट होती हुई स्टॉर्म वर्सेस टीम ट्रिनिटी एंड टीम किलो एक्सपर्ट ने उधर बहुत ही चीज़ें एक नॉक एंड फिनिश अप कर दिया, लेकिन एक्सपर्ट डाउन हो चुके हैं. टीम ट्रिनिटी की जैक रिवाइवल देने का जरूर ट्राई करेंगे अपने प्लेयर्स को. टीम स्टॉर्म के 3 मैन स्कोर बचेगा. स्टॉर्म के प्लेयर के चेसेंगे पीछे से डाउन करेंगे जैक को भी, लेकिन कवर फायर में मिलेंगे. वाई टी ने बहुत अच्छा नॉक निकाला, मिलेंगे बैठे होंगे इस बार नॉक एंड पूरी की पूरी टीम को फिनिश अप करते हुए टीम स्टॉर्म के प्लेयर. पर उनके दो प्लेयर्स इस फाइट में चले गए हैं. स्टॉर्म रोबो ये क्या कि नेट यहाँ पर कुक करने की ट्राई कर रहे थे, बट यहाँ पर होल बैग हो चुका, ऑल डेड हो चुका है. उनको कुल चली गई हुई 8 किल्स होते हुए उनके 19 टीम्स बचती है. हमारी टीम नाग भी अपनी पहली फाइट इंगेज करती हुई. जो टीम नाग ने ये फाइट इंगेज की है अपनी, लेट्स सी वो फाइट अपनी किधर इंगेज की है. टी डब्ल्यू के प्लेयर भी टीम सी टी आर से फाइट करते हुए, टीम एस एन आर से फाइट ले रही है. टीम कैंपोंग में टीम सी यहाँ पर टीम नाग के प्लेयर्स
TW के प्लेयर्स वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बूट कैंप में फाइट ले रहे हैं। टीम सीटी आ रही है, प्लेयर को नो कैन फिनिश ऑफ कर दिया। TW सो ओपी ने नींद ओपी जरूर डाउन में पड़े हुए हैं। 2v2 फाइट होगी, विनोद गरिया डाउन किए जाएंगे घुस्ट वेल की ओर से। घुस्ट वेल इंस्टेंटली उधर नाक के ट्रैफिक को भी डाउन करते नजर आएंगे। एंड बोर्ड गेम में यह टीम से डीआर का होता हुआ क्लोज एंड गबरू ओपी जरूर डाउन होंगे, लेकिन अभी वन सैबिन का एक अच्छा कवर जो करो पे लास्ट में सर्वाइव, जो कि उसको भी फिनिश अप करेगा अभी वन सैबिन। सी डी आर का वाइन जरूर इस फाइट में खोआ है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से ये फाइट निकालती हुई टीम एस एन आर ने भी यहाँ पर ट्रैफिक का किल कन्फर्म कर लिया है। विनोद दरिया ऑलरेडी डाउन पड़े हुए हैं। मिस्टर सोलो लेबर जो क्लोज में फाइट ले रहे हैं, टीम एस एन आर के प्लेयर को काफ़ी लो किया था एक प्लेयर को इस फ्लिक का, वहाँ पे कब तक कवर फायर मिलता है उनको ये देखना होगा। सोलो लीवर यहाँ पे क्लोज इन करते नजर आएंगे जरूर, थोड़ा सा डैमेज जो दिया है उसको किल करते हुए एस एन आर के प्लेयर फ्री फायर दे रहे थे। इधर पीछे से एक अच्छा यहाँ पर रोटेशन डाल के आए मिस्टर सोलो लीवर, नॉक निकाला है बट यहाँ पर दो प्लेयर देंगे उस पूरे उनको, एक काफ़ी लो था। फ्लिक आते हुए पीछे से फ्लिक एक प्लेयर से फाइट लेते हुए हैं, नॉक निकालेंगे कि नहीं फ्लिक भी देखना होगा। जो उनका डैमेज ऑलरेडी उन्हें पड़ा हुआ है, टीम नाग यहाँ पे फिनिश ऑफ होती नजर आएगी। कैंपोंग का एरिया टीम एसएनआर बहुत ही अच्छी तरीके से लीड करती हुई एरिया, चार किल्स उनके पास हो गए। जोन हमारा स्टार्ट हो चुका है, जोन में उन्हें काफ़ी जाना होगा। टीम रेजो का थर्ड स्क्वायर टीम ऑफ रेज ऑप्टिमस एंड अफरीदी के साथ ये डुओ लूट करते हैं। जोन में रोटेशन डालेगा टीम राइजन एंड टू की टीम भी चारों ही प्लेयर्स के साथ जोन में पहुंच चुके हैं। रेज ऑफिशियल उनका वेट करेगी गेट कीपर और रुइंस क्वेरी के एरिए में। टीम ओपी कैम ब्रावो एंड टीम सीएचबी भी कैम ब्रावो लूटते नजर आएगी। टीम शेडो वहाँ से फॉल बैक कर चुकी है, काफ़ी अच्छे जोन के लिए जा चुकी है टीम शेडो के प्लेयर्स एंड टीम नंबर वन के प्लेयर्स। तीनों ही प्लेयर्स एक मिडिल ऑफ द जोन बैठे हुए थे, वेट करेंगे अगले जोन का। एंड टीम इनसेन के प्लेयर्स भी यहाँ पे एक रूइंस का एरिया लूट करते नजर आ रहे हैं। सेक्सी बाबा ने बीवी के प्लेयर्स एक फाइट लेते नजर आ रहे हैं। हमें टीम सेफ्रोन के प्लेयर्स से एंड सेफ्रोन के प्लेयर्स ने एक नोक एंड फिनिश बहुत अच्छा निकाला टीम बीबी के प्लेयर्स को, उधर ओल्ड एड करते हुए टीम सेफ्रोन बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ्रोन ने उठाए हैं ये सारे के सारे किल्स। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके दो सेफ्रोन एंड दो बाबा ने उठाए हैं टीम बीबी के ऊपर ये फाइट। पहली फाइट निकालते हुए अपने एक प्लेयर डाउन हुआ था उनका किलो बाबा, एंड उसको रिवाइवल देते हुए पैराडाइज रिसोर्ट में हमारी पहली फाइट हुई है। ये टीम रेज उनकी काफ़ी करीब है उनके रेज। यहाँ पर ए डॉप नंबर सेकंड जो आया था वो भी लूट कर लिया गया। ए डॉप नंबर थर्ड जो हैट इनका एरिया टीम सोर्स मंगाएगी उस ए ड्रॉप को, एंड उसमें आएगी ओम विद ओम एंड ओग एग्री या डोरू कौन करने वाला है इधर ओम। लेट्स सी, कल अजीत भी खेलते हुए नजर आए थे ओम से, हो सकता है वो भी वहाँ पे कर ले। टीम माफिया का डुओ जो उधर जा रहा था वो अल्फा चला गया था वहाँ से अपने ड्रॉप लोकेशन चेंज करके। एंड टीम TW यहाँ बूट कैंप का एरिया ज्वाइन कर चुकी है। टीम CTR से उनकी फाइट यहाँ पे इंगेज होगी। टीम CTR का जो डुओ बचा है जो TW ऑफिशियल से फाइट लिया, एक और प्लेयर ड्रॉप यहाँ पे मंगाया गया है। आई थिंक टीम शैडो मंगाने वाली है उसको, खाओ का एरिया में है वो फिलहाल, जो काफ़ी लंबा रोटेशन कैंप ब्रावो की ओर से डल के रही है। टीम शेडो का ट्रियो खेल रहा है यहाँ पर रेज DSRK एंड SRD, उन्होंने मंगाया फ्लेयर ड्रॉप ए ड्रॉप नंबर 7 ओम एंड ग्रोजा विद लेवल 3 हेलमेट वेस्ट एंड 4X के साथ। टीम राइजर इन टू फाइट लेती हुई अपनी टीम नंबर 22 के प्लेयर से। टीम नंबर 22 का जो डुओ था वो राइजर इन टू के ऊपर फाइट लेता हुआ रेज PKP टीम रेज सेकेंड भी वहाँ पर स्पोर्ट कर चुकी है उन टीम को। तो टीम यहाँ पर 3 टीम्स होती हुई एक दूसरे से फाइट लेंगी। रेज PKP थोड़ा मुश्किल में जरूर होंगे क्योंकि उनके पीछे 2 टीम्स है, राइजर इन टू की टीम एक साइड, दूसरी साइड टीम स्टॉम। टीम स्टॉम से टीम राइजर निड्डू हो चुका है। टीम स्टॉम के रोबो बहुत ही अच्छी तरीके से 2 प्लेयर डाउन कर देंगे टीम राइजर निड्डू के। यहाँ थर्ड पार्टी में किल जरूर उठाना चाहेगा रेज का PKP। टाइसन यहाँ पे कवर कब तक देते हैं वो देखना होगा। थर्ड प्लेयर नो कर चुके हैं टीम राइजर की टीम का। टीम राइजर की टीम थोड़ा बैकवर्ड पोजीशन में जाती हुई टीम स्टॉम के प्लेयर्स की ओर से। यहाँ जो नोक किया था उसको फिनिश ऑफ किया था थोड़ी टीम स्टॉम के प्लेयर्स, फायरिंग करेंगे रेज के PKP को नोक एंड फिनिश ऑफ कर देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। टेम्पोस्ट यहाँ पे लेकिन रोहित ने वो किल स्टील किया है, नॉक किया था उधर, फिनिश ऑफ करेंगे रोहित क्लोज में जाते हुए एक और प्लेयर डाउन करेंगे रोहित। टेम्पेस्ट अब अकेले बचे हुए हैं, 1v1 में होंगे रोहित उसको अभी बहुत अच्छी तरीके से फिनिश ऑफ निकालेगा टीम राइजन का। रोहित बहुत ही ओपी गेम प्लेयर यहाँ पर आया इस प्लेयर का, तीनों ही किल्स बहुत अच्छी तरीके से उठाए एक थर्ड पार्टी में दो वैसे। रेज के टाइसन काफ़ी टाइम से नजर आ रहे थे वहाँ पर मटराते हुए बट अपने प्लेयर को कवर देखने के लिए वो इतने पास नहीं थे। रेज गुड ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुका है रेड सेकंड का, अब टाइसन ही अकेला बचा हुआ है। एयर ड्रॉप नंबर 6 जो हमारा आया है वो नॉर्मल ड्रॉप वो उन्हीं की शैडो के काफ़ी करीब, मशीन गन में लेवल 3 हेलमेट वेस्ट आएगा इसमें। रेज ऑफिशियल यहाँ पे फाइट लेती हुई जैसे कि मैंने बोला था उनके पास रेज ऑफिशियल फाइट जरूर लेगी, जो फ्लेयर ड्रॉप उन्होंने मंगाया था टीम शैडो के ऊपर ही चार्जिंग करती नजर आ रही है टीम रेज ऑफिशियल। शैडो के रेज को डाउन किया है उन्होंने, रिवाइवल कब तक मिलता है वो देखना होगा।
डीएसआर के एसआरडी अंदर नहीं आने देना चाहते टीम रेज के प्लेयर्स को, लेकिन हिटमैन कवर कर चुके हैं, हिटमैन काफ़ी सीधा सीधा यहाँ पर रोटेशन हिटमैन का आ रहा है। फिले ड्रॉप जो कि ऊपर आया था इतनी आसानी से लूटने नहीं होगा, रेज को यहाँ पर रिवाइवल दिया जाएगा शेडो के रेज को, एंड हिटमैन एंड भाव काफ़ी क्लोज कर चुके हैं। टीम रेज पूरा यहाँ से स्प्लिट में खेलती हुई नजर आ रही है और ये स्प्लिट काफ़ी काम भी देने वाला है टीम रेज को। आई थिंक हिटमैन एंटर हो चुके हैं खाओ में, किस तरीके डील करेंगे अब आगे की फाइट्स टीम रेज के प्लेयर्स वो देखना होगा, और किस तरीके से बच पाएंगे टीम शेडो के प्लेयर्स। एसएनआर एक और फाइट अपनी एंगेज कर चुकी है जो कि रेज के थर्ड स्क्वाड से, और ये एसएनआर का प्लेयर काफ़ी लो था लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से टीम एसएनआर के स्काउट ने निकाला है दूसरा किल भी। तीनों प्लेयर्स के पास थ्री टू टू किल्स होते हुए जोकर को आज जरूर नहीं मिला है अभी तक किल, लेकिन टीम एसएनआर भी ओपी गेम प्ले यहाँ पे रोटेशन के बीच में जोन में पकड़ी वो टीम कैंपोंग से काफ़ी लंबा रोटेशन हुआ जोन के लिए, अभी भी रोटेशन हमारा चालू है। एड नंबर सेवन हमें जल्दी ही नज़र आने वाला है, हमारा ये जो ऊपर से प्लेन गुजर के गया है वो एयर ड्रॉप जरूर यहाँ पर सेवन ड्रॉप करने वाला है, एंड टीम रेज जो कि पूरा यहाँ पर षड्यंत्र रचिए पड़ी है टीम शैडो के ऊपर। गिनेट को किया आया था रेज हिटमैन ने, सॉरी भाव ने किया था, स्मोक किया था रेज फ्लैश ने अपने ऊपर या विजुअल विलोक करके, वहाँ से रोटेशन डालना जरूर चाहिए। 14 टीम 42 प्लेयर हमारे बचते हैं, सुग्रीव का ये ग्रेनेड अपने ही प्लेयर को डाउन करेगा, हाँ अपने ही प्लेयर को डाउन करके रिवाइवल भी दिया जा रहा है बाकायदा बिल्कुल। यहाँ पे एक अच्छे तरीके से टीम वर्क भी नज़र आ रहा है इनका, एंड टीम्स ने यहाँ पे अभी थोड़ा रोटेशन डालना पड़ेगा टीम शैडो एंड रेज ऑफिशियल को। टीम ओपी भी आउट ऑफ द जोन है, टीम शैडो के ऊपर एक नॉक निकाल लिया है रेज, सॉरी रेज टाइसन अलग ही टीम का मेम्बर है, रेज टाइसन ने यहाँ पे आई थिंक टीम राइजन का नॉक निकाला है, बिल्कुल राइजन का नॉक निकाला है टाइसन ने। 1v3 में जो था वो 1v2 पे सिचुएशन ला चुका है, क्लोज इन करता जरूर नज़र आ रहा है, रोहित रिवाइवल देने का ट्राई करेगा, टाइसन वहाँ पे क्लोज इन करता नज़र आ रहा है, सोलो प्लेयर है वो काफ़ी दूर होगा, इतना आसान नहीं होगा उसको इतना लंबा क्लोज करना, अब इस पर ही देखा कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे नोक जो था वो रिवाइवल मिल जाएगा। एयर ड्रॉप नंबर एट जो हमारा आएगा वो पैराडाइस रिसोर्ट में नॉर्मल ड्रॉप नज़र आएगा, गिरोजा विद लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैकपैक के साथ आएगी टीम एसएनआर ने, आई थिंक बीआरडीएम मंगाई थी वहाँ से, या एक टीम ने आई थिंक कोई ना कोई तो बीआरडीएम मंगाई थी, फिलहाल देखने को मिलेगा वो बीआरडीएम के समय। सीएचबी हमेशा बहुत ज़्यादा बीआरडीएम यूज़ करती नज़र आती है ये टीम, स्पेशली विगैंडी एंड सैनोक तो वी आर डी एम के लिए बहुत ज़्यादा। सी एच बी के प्लेयर्स ओपन में स्पोर्ट करेंगे रेज टाइसन को, और वो ज़रूर वहाँ से एक प्लेयर इस प्लेयर का किल लेकर जाना चाहेगी टीम सी एच बी, यहाँ एक भी किल नहीं है उनके पास, रुकेगी ज़रूर पक्का। टाइसन यहाँ पर फायर लेते हुए टाइसन बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश ऑफ करते हुए, टाइसन को पूर्व ओ पी सी एच बी के नमन ज़रूर फिनिश ऑफ हुए हैं आज इस फाइट में। एयर ड्रॉप नंबर एट हमारा आया टीम सेफ्रोन के काफ़ी करीब होगा ये एयर ड्रॉप, पैराडाइज रिसोर्ट में आएगा गिरोजा लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैकपैक के साथ। टीम नंबर वन भी इसके काफ़ी करीब है लेकिन आना नहीं चाहिए क्योंकि टीम सेफ्रोन ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी है, अगर ड्रॉप के लिए रिस्क लेना भी नहीं चाह रही साइड टीम नंबर वन, एक जगह रुकी पड़ी है, सेफ्रोन पिक कर सकते हैं बिल्कुल, गिरोजा पिक करेंगे टीम से फ्रोन की, सेफ्रोन एंड टीम एस एन आर चारों प्लेयर्स के साथ अपना एक एज ऑफ द जोन कम वहाँ पर ले चुकी है जोन में रोटेशन। 13 टीम्स 41 प्लेयर्स हमारे लाइव हैं, टीम सोच ने अभी तक कोई फाइटिंग एज नहीं की है, जल्दी हमें फाइट करती नज़र आने वाली है टीम सोच भी। सी एच बी एक और फाइटिंग एज करती हुई टीम राइजन की टीम से, इस बार होगी टीम से एच बी की फाइट, राइजन ने एक रिंटू ने नोक किया है, एक नोक सी एच बी ने भी किया था, एक अपूर्व पी को रिवाइवल दिया जा रहा है, जी निखिल उसको रिवाइवल दे रहे हैं, उनको भी थोड़ा डैमेज पड़ा था क्योंकि वहाँ से टीम एस एन आर के प्लेयर भी थोड़ा पीछे ही हैं, उनके तो ध्यान देना होगा टीम राइजन के प्लेयर को। रोहित काफ़ी ओपन में यहाँ पे पड़े हुए, गिनेट जाता हुआ ओपी गिनेट रोहित का, ये सी एच बी के वेजिटो ओपी को काफ़ी लोग किया था, राइजन इनटू अगेन नोक निकालते हुए एक प्लेयर निखिल के ऊपर जो फ्लैंग गया था, लेकिन सॉरी अपूर्व ओपी को ही नोक निकाला था, लेकिन निखिल ने बहुत ही अच्छा कवर फायर दिया। वेजिटो को रिवाइवल यहाँ पर हील अप होना बहुत ही ज़रूरी जो कि हो चुके हैं, रोहित क्लोजिंग करते नजर आ रहे हैं, वेजिटो का स्प्रे जाएगा उनके ऊपर, टीम राइजन के किले बचेंगे लेकिन पीछे डॉप की टीम से फाइट लेते हुए टीम सोच के प्लेयर्स या बहुत ही अच्छी तरीके से एक फाइट तो यहाँ पे सी एच बी ने निकाल लिया टीम राइजन के ऊपर, पर जरूर डाउन पड़े हुए थे, टीम इनसेन के प्लेयर से फाइट ले रहे हैं, टीम इनसेन के प्लेयर्स को पूरा कपड़ा फ्रिश अप करते हुए टीम सोच के प्लेयर्स। आप टीम सी टी आर बी यहाँ पे फाइट में मौजूद रहेगी क्योंकि सी टी आर बी उन्हीं के काफ़ी करीब है, पर्थ को रिवाइवल देने के लिए आ चुके थे अजीत, लेकिन अभी 1-7 का पड़ेगा वहाँ पर स्प्रे,
और अभी 17 CTR के प्लेयर दो प्लेयर डाउन कर चुके हैं टीम सोस के। और वहाँ वो VRDM को डेस्ट्रॉय करके अभी भी नहीं जंप कर सकते हैं, लेकिन डोरू ओपन से जंप अप किए हैं। कवर फायर मिलेगा एग्री की ओर से, लेकिन अभी 17 उधर क्लोजिंग करते ऊपर की ओर, जो ये अभी 17 जा रहे हैं इसका थोड़ा देखना होगा। एग्री उनके सामने होंगे, एग्री को जरूर स्पॉट हो चुके हैं वो। टीम सोस के यहाँ से पीछे की ओर खतरे में जा सकती है, अगर एग्री डाउन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसेगी सोस। डोरू रिवाइवल दे चुके हैं अजीत को, पृथ्वी रिवाइवल हो जाएंगे, लेकिन एग्री फिलहाल किस तरीके डील करेंगे। सिचुएशन 1v1 ही है, पीछे से टीआर का ब्रोप, एग्री का भी ग्रेनेड जाते हुए, अभी के भी ग्रेनेड आते हुए, दोनों ग्रेनेड एक दूसरे के काफ़ी करीब जा रहे हैं, लेकिन नोक अभी तक ये डैमेज किसी को ज़्यादा कुछ पड़ नहीं रहा है। टीम सोच के प्लेयर्स ने ले लें, टीम रेज के प्लेयर्स ने बहुत आसानी कर दी टीम सोच के लिए। रेज हिटमैन करेंगे फिनिश ऑफ, सोनू ने किया था नोक, अभी 17 को चंद लम्हों में कर दिया गया है फिनिश ऑफ। एंड सी डी आर का ब्रू ओपी जो है सैंडविच में फंस सकते हैं, अगर वेट नहीं करा उन्होंने फाइट लेने की सोची तो। टीम सोच जो कि अपने एक वाटर के सहारे, पानी के सहारे जाना चाहिए, जो उनके अंदर चारों ही प्लेयर SNR के प्लेयर, टीम नंबर 1 के प्लेयर से फाइट ले रहे हैं। टीम एस एन आर के प्लेयर को डाउन जरूर किया है। टीम नंबर सुकीब ने स्मोकी सुग्रीव यहाँ पर वो लोग पड़े हुए हैं, स्मोकी ओपी अपनी बैरल चलाते हुए, वो भी डाउन होंगे पीछे से। SNR को उसने गोसुल को वहाँ पर डाउन किया था। जोकर ओपी अपना पहला किल निकालने को तैयार हैं। बगमा जो यहाँ पर फिन या एक ग्लीच में फंसे हुए थे भगवान, उसी वक्त इसी वजह से नोक किया था। किलो बाबा भी यहाँ पर रिजिटमैन को नोक एंड फिनिश ऑफ कर चुके हैं। टीम किलो के टीम सेफ्रोन के बाबा एक थर्ड पार्टी रूप में निभाते हुए, एंड टीम टीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टीम शेडो ने भी थर्ड पार्टी ने फोर्थ पार्टी कर दिया टीम रेज ऑफिशियल के ऊपर, जो इंस्टेंटली नोक एंड फिनिश ऑफ दिया है उन्होंने भाव को। एक दूसरे के काफ़ी करीब ये सारी टीम्स थी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर मुश्किलें पैदा कर दी टीम रेज ऑफिशियल के लिए। टीम शेडो अब CDR का ओपी से फाइट ले सकती है। टीम रेज ऑफिशियल के पीछे टीम शेडो का एक प्लेयर इधर भी नज़र आएगा हमें, और एक टीम ओपी भी यहाँ एक कंपाउंड्स में मौजूद है। टीम SNR पीछे फाइट ले रही थी, वो जो ग्लीच में फंसा हुआ प्लेयर था, ग्लीच में फंसा हुआ उसको फिनिश ऑफ कर दिया। टीम सेफ्रोन के प्लेयर से जो हिल कवर अप करके बैठे हुए हैं वो वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जोन उनके पास नहीं है, जोन तो किसी के पास नहीं है। रेज फ्लैश को टीम ओपी का प्लेयर डाउन करेगा बहुत अच्छी तरह। शेडो के SRD को भी डाउन कर सकता था, शेडो का SRD रेज फ्लैश का किल स्टील करता हुआ अपना किल को लेता हुआ। रेज सोनी को शेडो का रेज फिनिश ऑफ करेगा सोनू को। एंड टीम रेज ऑफिशियल चंद्रमा में है सकते हैं पे फिनिश ऑफ होती हुई। एंड टीम माफिया के प्लेयर जो जोन में रोटेशन डाले थे, साहिल करेंगे उसको डाउन। एंड साहिल ने बहुत अच्छी तरीके से बग्गी से डाउन किया है, फिनिश ऑफ भी करते नजर आएंगे। SNR के प्लेयर किलो बाबा को डाउन करेंगे, माफिया का साहब को फिनिश ऑफ करेंगे साहिल। एंड SNR किलो बाबा को फिनिश ऑफ करते नजर आएंगे। टीम सेफ्रॉन के प्लेयर सेफ्रॉन भी बहुत ज़्यादा लो है, टीम ओपी की पूरे का पूरा फिनिश ऑफ कर देगा टीम शैडो की ओर से। टीम शैडो के प्लेयर्स बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं, रोटेशन भी चल रहा है, फाइट्स भी चल रही हैं। टीम सोस भी अपनी फाइटिंग एज कर चुकी है। CTR का ब्रू ओपी का किल यहाँ पे लेते हुए, रेज का भी किल पर्थ को मिलेगा, पर्थ करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से शैडो के रेज को डाउन। टीम सोस भी बहुत ही अच्छी तरह से जोन में रोटेशन डाला था, बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ उनका। वेलोसिटी जो सोलो बचे हुए टीम माफिया के लिए, वो यहाँ से कितनी देर तक रुकेंगे। टीम सेफ्रोन के साहिल यहाँ पे एक और प्लेयर डाउन करते हैं, शैडो का SRD फिनिश ऑफ करने के लिए जरूर जाने वाले हैं। शैडो का एक प्लेयर ही बचता है, वो भी जोन के अंदर डैमेज खा रहा है। एंड टीम सेफ्रोन का साहिल बिल्कुल उसका वेट नहीं करना चाहता, अपना पीछे से ही और जा चुका है, एक अच्छा जन कवर लेना जरूर चाहेगा। बट टीम शेडो और टीम सेफ्रोन का दो ही प्लेयर बचे, शेडो का एक ही प्लेयर बचा हुआ है, लेकिन टीम शेडो के प्लेयर टीम SNR के प्लेयर सेफ्रोन को डाउन करेंगे। SNR के ऑक्सी वेल टीम SNR स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी फाइट लेते हुए 10 किल्स उनके ऑलरेडी हो चुके हैं, क्लोज इन करती नजर आएगी कि नहीं। गोश उनका खुद फिनिश ऑफ हुआ है, साहिल उसको रिवाइवल देगा, एंड टीम SNR होगी उनके सामने। 17 से 18 प्लेयर्स हमारे बचेंगे फिलहाल। टीम माफिया का सोलो प्लेयर वेलोसिटी नजर आ रहा है, टीम सेफ्रोन का डुओ बचेगा अब यहाँ पर रिवाइवल हो चुका है। टीम SNR 3 मैन उसका, टीम CHB से 3 मैन उसका नजर आएगी। टीम सोस 4 मैन का एडवांटेज टीम सोस के पास है, टीम TW के पास है 3 मैन स्क्वाड। 17 19 प्लेयर्स, लेट्स सी यहाँ पर कौन निकालेगा हमारा आज का सेनो का चिकन डिनर। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी लास्ट जोन की फाइट्स नज़र आ रही हैं। टीम सोस थोड़ा ऊपर की ओर हाई रिच के लिम करना चाहेगी। वेलोसिटी जो सोलो हैं टीम सोस के पर जा चुके हैं फ्लैंक कर कर उसके ऊपर, वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं। देखते हैं कौन सी टीम पहले रिस्क लेना चाहिए, ग्रेनेड जरूर आया था उनके ऊपर, ज़्यादा डैमेज नहीं देखा जाएगा। वेलोसिटी के ग्रेनेड्स आ रहे हैं, डोरू को डाउन करेंगे साइड ओवर DSR के, और डोरू ऑफ गार्ड पकड़े गए थे जो उनके रोटेशन के टाइम साइड के DSR के फिनिश वो भी इजिली कर देंगे डोरू को। टीम सोच बचेगी 3 मैन स्क्वाड के
सा था बे लाइफ। पहले सीडी के ऊपर कब तक क्लोजिंग नहीं करेंगे, एसएनआर के प्लेयर जाते हो, सीएचबी के प्लेयर को डाउन किया था, लेकिन एसएनआर के प्लेयर खुद दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं, जोकर अकेले बचेंगे। वेजिटो ओपी ने बहुत अच्छा करा है यहाँ पे काम। टीडब्ल्यू के प्लेयर सोच के एग्री को डाउन करेंगे, एंड टीडब्ल्यू के प्लेयर्स यहाँ पे अजीत को भी डाउन करेंगे, एंड जोकर ओपी काफी लो बचे हुए थे। सीएचबी निकिल उनके ऊपर क्लोजिंग करते नजर आ रहे हैं, हील अप करने का मौका नहीं मिलेगा जोकर ओपी को, निकिल को डाउन कर सकते थे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से एक जो काफी लो बचे थे टीम सीएचबी निकालती हुई अपनी ये वाली फाइट है। पूर्व ओपी को अगेन रिवाइवल, थ्री या फोर्थ मान नॉक होगा ये पूर्व ओपी का, ज्यादा मुश्किल थोड़ा मुश्किल तो उनके लिए होने वाला है। टीम सो जो काफी बैकवर्ड चली गई थी उनको रिवाइवल देने का मौका मिला है, पर तजी को रिवाइवल देंगे, एग्री भी रिवाइव हो पाते हैं कि नहीं। टीम टीडब्ल्यू जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल में डाली थी सोस को, वो फिलहाल उस सिचुएशन से निकलती हुई नजर आ रही है। टीम सोस 16 teams 14 players, लेट्स सी हु गेट अ चिकन डिनर इन दिस मैच। वेलो सिटी जोन में जाएगा कि नहीं, या सोस का वेट करेगा वहाँ से फाइट लेने का कि कब सोस आई जोन में, या बिल्कुल वो वेट कर रहा है, किल्स लेने जरूर चाह रहा है वेलो सिटी के दिमाग में इस टाइम किल्स की सोच ने। वेलो सिटी जो अकेला डेबी प्लेयर करा था, टीम सोस अब चार्जिंग करते जरूर नजर आएगी, क्योंकि उन्हें टीम सोस को उन्हें जोन में भी जाना है, तो चार्जिंग करना जरूर बनता है। इधर वेलो सिटी सोलो प्लेयर है यहाँ पे होल्ड करे हुए बैठा हुआ है, अभी मोलोडोल आया था उसके ऊपर, लेकिन पीछे जाके वो एक सांप बन चुका है पत्थर की कवर से, फिलहाल सांप गेम नजर आता हुआ। इधर सोच करते हुए चार्जिंग वेरीफायर देते हुए आ रहे हैं, एग्री डाउन होंगे, वेलोसिटी एक प्लेयर डाउन करेंगे, पर्थ एंड अजीत बचेंगे। पर्थ के ऊपर पीछे से भी शॉट्स आ रहे हैं जो टीम टीडब्ल्यू की ओर से हैं, आई थिंक पर्थ एंड अजीत बचेंगे। वेलोसिटी को यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे कि नहीं, जहाँ बिल्कुल पर्थ की एक एम करके जाएगी वो काम, टीम सोस बहुत ही अच्छी तरीके से करती फिनिश ऑफ। टीम सी एच पी वी फाइट लेते हुए टीम टीडब्ल्यू के प्लेयर से, टीम टीडब्ल्यू के नोक को डाउन कराए, अपूर्व भी जोकर को फिनिश ऑफ करेंगे, नोक भी कर देंगे टीडब्ल्यू हंटर को, ऑलरेडी उन्होंने कर रखा था फिनिश ऑफ एंड नोक। टीम सी एच पी 9 kills बहुत ही अच्छी तरीके से निकाले हैं उसने। टीम सेफ्रॉन बचेगी 7 kills के साथ डुओ, टीम शैडो बचेगा 7 kills के साथ डुओ, टीम सीएचबी बचेगी 9 kills के साथ ट्रियो, एंड टीम सोस बचेगी 6 kills के साथ ट्रियो। 2v2v3v3 फोर टीम्स 10 players, लेट्स सी हु गेट अ चिकन डिनर, टीम सेफ्रॉन, टीम सीएचबी, टीम शैडो या टीम सोस। सेफ्रोन का प्लेयर बहुत ही अच्छे तरह सेफ्रोन नो कैन फिनिश अप करेगा शेडो के डीएसआरके को, जिसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, वो कंपाउंड गया था जोन के चलते, जोन बन चुका है एक टीम सीएचबी के अलावा कोई भी टीम को फेवर नहीं किया है जोन। सीएचबी को भी 4 से 5 meters दूर जोन में जाना है, टीम सीएचबी को जो लास्ट जोन फेवर करता है ये बहुत ही ज़्यादा ओपी होता है उनके लिए। चिकन डिनर लेकर आगे जाता है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर वीकेंडी का मैप में भी बहुत अच्छा फॉलो किया था, 3-4 teams थी और टीम सीएचबी को यहाँ पे फेवर कर गया था जोन, देन सी आज भी वही काम हुआ है। बीआरडीएम हमेशा इनके पास मिलती है, सीएचबी निखिल जो बीआरडीएम के अंदर बैठे हुए हैं प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहेंगे वहीं से, एंड उसी के बाद वो वहां से मूवमेंट देंगे एंड प्लेयर्स कॉल देंगे। बीआरडीएम होने का पूरा इस्तेमाल करते हुए वो दोनों प्लेयर्स फिलहाल टीम सोर्स के प्लेयर्स, अब वो भी धीरे धीरे जोन में आना चाहेंगे। एग्री आ चुके हैं, बैग यहाँ से गिराने की सोच रही है एग्री की, जी अपना सामान वहाँ पे थोड़ा करते हुए कम, बैग उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, सेकंड गन अभी ड्रॉप नहीं की है। पर्थ ने भी यहाँ पे बैग ड्रॉप कर दिया है, एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिलता हुआ टीम सोच की ओर से। अजीत ने जरूर बैग ड्रॉप नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे टीम सोच बहुत ही अच्छा है यहाँ पे माइंड गेम प्ले दिखा रही है। टीम सेफ्रोन क्लोज इन करती नजर आ रही है, जोन में आना था उन्हें, टीम सीएचबी से ये फाइट उनकी इंगेज होती है, ग्रेनेड्स उनके ऊपर जाते हैं, वेजिटो ऑलरेडी डाउन हुए, सेफ्रोन की गिरोजा क्या वो कम कर पाएगी जो वेजिटो की कैम नहीं कर पाएगी। शेडो एस आर की अजीत को नो कैन फिनिश ऑफ करेंगे, एंड टीम शेडो के प्लेयर्स और सीएचबी के प्लेयर्स जोन से वेजिटो काफ़ी लो हुए थे, शेडो एस आर डी को फिनिश ऑफ करेंगे सोस पर, एंड टीम सेफ्रोन के प्लेयर सेफ्रोन या फिर गिरोजा से लगातार इस पर दे रहा है। 3 teams बचती हैं, 7 players बचते हैं, टीम सी एच बी का 3-man squad बचेगा, 2v2v3। ग्रेनेड बहुत ही अच्छा जा सकता था साहिल का पत्थर के पीछे, बट वो पत्थर से टकरा कर वापसी आ चुका है। सी एच बी निकल निकलेंगे अपनी बी आर डी एम लेकर, और बी आर डी एम में ही बैठ रहेंगे। सेफ्रोन का ये ग्रेनेड बहुत ही ओपी ग्रेनेड जाता है, सी एच बी पूर्व ओपी का डाउन, ये ग्रेनेड अपोनेंट पर्थ यहाँ पे सी एच बी निकल को डाउन करेगा, फिनिश ऑफ करेगा उसको एग्री। अपूर्व ओपी भी डाउन पड़ा हुआ है, वेजिटो अब अकेला बचा हुआ है, एंड टीम सोस वेक ऑन द फाइट आती हुई। पर्थ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह सांप बना हुआ है, साहिल नीचे है, साहिल करेगा उनको स्पोर्ट, बिल्कुल पर्थ उनके सामने थे, नो कैन फिनिश ओवर भी देता नजर आएगा साहिल, या फिनिश ओवर भी फिलहाल तो नहीं कर पाया, लेकिन टीम सेफ्रोन के प्लेयर्स टीम सी एच बी की ओर भी ध्यान है। ये ग्रेनेड आता है वो काफ़ी करीब टीम सी साहिल के काफ़ी करीब, मुंह पे फूटेगा साहिल के ये ग्रेनेड। सेफ्रोन अकेले बच्चे हुए हैं, सी एच बी है, पोर बोपी को उन्होंने स्पोर्ट किया था, पोर बोपी को करेंगे सेफ्रोन फिनिश हो। पर्थ नोक पड़े हुए हैं, एग्री से 1-on-1 होने वाला है सेफ्रोन का यहाँ पे, 1-on-1 विद एग्री। सेफ्रोन कब तक स्पोर्ट कर पाते हैं कि नहीं, स्पोर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश लगी हुई है सेफ्रोन की, और सेफ्रोन काफ़ी करीब आ चुके हैं, बी आर डी एम लेके जाना चाहते हैं वो, और एग्री यहाँ पे
अपनी गन रिलोड पे डाल सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। एग्री किस तरीके डील करेंगे वो सिचुएशन आई डोंट नो, लेकिन एग्री यहाँ पे खुद लो भी हो चुके हैं। सेफ्रोन एक बी आर डी एम लेके निकले हैं, जी हाँ बी आर डी एम लेके अपने ही प्लेयर को लेकर जा रहे हैं सेफ्रोन। बिल्कुल साहिल का किल तो उन्होंने कन्फर्म किया है। फिलहाल सेफ्रोन अभी अंदर ही हैं, उनकी सोच क्या रहने वाली है वो देखना होगा मुझे। फिलहाल यहाँ पे एड अपनी एक हीलिंग का भी इस्तेमाल करते हुए एग्री, और एग्री अब 1v1 सिचुएशन, टीम सोल वर्सेस सेफ्रोन। सेफ्रोन यहाँ पे हीलिंग के बीच में आते हुए एग्री के, एग्री की हील हो चुकी है, लेकिन वो गिरोजा वर्सेस सेफ्रोन में हाफ एचपी है, थोड़ा डिसएडवांटेज जरूर है। अगर ये फाइट निकाल देते हैं एग्री तो बहुत ही ओपी होने वाला है, क्योंकि गिरोजा वर्सेज M4 में और हाफ एचपी एंड फुल एचपी में ये फाइट है। सेफ्रोन अभी फिलहाल ले रहे हैं डीपीपी एंड टीम चिकन डिनर पाएगी यहाँ से टीम सेफ्रोन विद 12 किल्स। बहुत ही अच्छा गेम प्ले इस टीम का रहा। सेकंड पोजीशन पर आती है टीम सोस विद एन 9 किल्स एंड टीम सी एच वी विद एन 9 किल्स। थर्ड पोजीशन टीम सैडो विद एन 8 किल्स। फोर्थ पोजीशन टीम टी डब्ल्यू आई 0 किल। फिफ्थ पोजीशन टीम माफिया 6 पोजीशन 10। टीम एस एन आर बहुत ही अच्छी तरीके से किल्स लिए हैं आज इस टीम ने भी 10 किल्स। टीम सी टी आर के पास भी हैं 4 किल्स, एंड देन बाकी टीम्स हमारी रहती हैं इस तरीके से।